तरीके से लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आज नामांकन की प्रक्रिया इस तरीके से लगातार चल रही है। मेरे साथ में इस समय नामांकन करके बसपा प्रत्याशी आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मुस्लिम खान जी आज हमको पहली बार रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारा समाचार में। मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से नामांकन करके आए हैं, क्या लग रहा है जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि बसपा ने जो टिकट किया है आपका, लेट किया, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, लेट क्या, बहन जी का काम है सब समाज को जोड़ने का, और वही काम बहन जी कर रही हैं, सब समाज को जोड़ रही हैं। दूसरी पार्टियां हैं या दूसरे प्रत्याशी हैं, ये दोनों प्रत्याशी पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने कभी चुनाव देखा नहीं, चुनाव होता क्या है, ये पहला चुनाव है, नए हैं बिल्कुल। मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, मैं विधायक भी रहा हूँ, तो मेरा क्या इनसे मुकाबला है। लेकिन राजनीतिक अनुभव की अगर बात की जाए तो सतपाल जी के बेटे हैं वो, और सतपाल जी का लगातार बेटा होना अलग चीज़ है, सतपाल जी साथ में है ना, अनुभव होना अलग चीज़ है, अनुभव नहीं हो सकता बेटी को, विरासत में अनुभव नहीं मिलता है, विरासत में जायदाद मिलती है, अनुभव नहीं मिलता। अच्छा, बसपा प्रत्याशी जिस तरीके से आपको बनाया गया, मुस्लिमों की यहाँ बात की जा रही, मुस्लिम लीडर आपके साथ में बदायूं में कौन है? जिस तरीके सलीम साहब हैं, सलीम साहब भी रूठे मनाने की कवायद थी, लास्ट में जाके सतपाल जी ने उनको मना लिया और जो कहीं ना कहीं अपने साथ ले आए। आबिद रजा जी थे, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बात कर रहे थे, आबिद रजा जी भी अब समाजवादी के साथ हो, तो मुस्लिम लीडरों में आपके साथ कौन रह गया बदायूं में? सारे लोग मेरे साथ, लीडरों की बात कर, लीडर सबसे बड़ी जनता, जनता से बड़ा लीडर हो नहीं सकता, जनता ही सबसे बड़ी लीडर है, और जनता को ही अपना लीडर चुनना है इस चुनाव में, और हम हमेशा यहाँ लोकसभा के सांसद रहे और इंशाल्लाह फिर रहेंगे। आपकी बात पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से लोकसभा में आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो देखने की सबसे बड़ी बात यह कि लेट सबसे बड़ी बात आ रही थी मुस्लिम खान जी को, उतारा जाएगा नहीं उतारा, जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो वोट बैंक है या अयादा वोट बैंक है उसमें सैन मारने की जो कोशिश की जा रही थी, तो अब मुस्लिम समुदाय में किस तरीके को जाके आप अपने आप को कर रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहता हूँ, तमाम रिश्तेदारियाँ हैं मेरी, पूरे जनपद में मेरा लोगों सबसे भाईचारा है, हर समाज के लोगों में मेरा भाईचारा है, तो मैं तो इंशाल्लाह सब समाज की बात करके चुनाव जीतूंगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं आपका वोट तक नहीं है, आपके परिवार का वोट नहीं डाल पाएंगे, तो आप लोकसभा में वोट भी नहीं है तो कैसे करेंगे? नहीं, उनकी बड़ी गलतफहमी है, परिवार का वोट उनका तो सबके है, लोकसभा में उन दोनों से पूछो उनके परिवार का कोई वोट है यहाँ लोकसभा में, मुझसे पूछ रहे हो मेरे भाई कहाँ गए, ये खड़े हैं इनका वोट है, ये प्रस्तावक है मेरे, आप कह रहे हैं परिवार का वोट है, इनसे पूछो जाके इनके परिवार का एक भी वोट है दोनों में से। लेकिन 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 कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर परिवार का वोट उन लोगों का नहीं है, हालांकि बीजेपी ने पिछली बार संगमित्रा जी को उतारा, संगमित्रा जी ने विजय प्राप्त की, और अब की बार सतपाल जी आए, तो सतपाल जी का कहीं ना कहीं लगातार सपा का गढ़ रहा था और आप भी उस गढ़ में शामिल रहे थे उस समय तक? नहीं नहीं, गठबंधन में नहीं, नहीं ऐसा है, गढ़ उनका रहा, उनका नहीं रहा था, गढ़ तो हमारा रहा है, आप इतिहास उठाइए, गूगल करिए कि गढ़ हमारा रहा है उनका नहीं, तो दो बार रहे हैं सांसद यहाँ से। नहीं तो समाजवादी के लगातार आपके सलीम शेरवानी साहब नहीं रहे थे? अरे समाजवादी के चुनाव चिन्ह, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सलीम शेरवानी कांग्रेस के भी रहे थे। हाँ तो कांग्रेस से रहे थे, समाजवादी से भी तो रहे थे? नहीं, कांग्रेस से भी रहे थे, हमारे समाज की वजह से रहे ना, अब आज वो आपके साथ नहीं है तो किस तरीके से? वो हमारे साथ नहीं, आपको क्या मालूम, ये हमारा वो सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ में बसपा के प्रत्याशी, लगातार आज नामांकन करके आए हैं, अब आज जनता के बीच में पहुंचे, सुबह से आप हमारा समाचार के लिए बताएंगे।